अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे व्यूवर्स। बकरीद के हवाले से मैं आज एक और वीडियो डाल रही हूँ, चपली कबाब या पिशावरी कबाब, जो दिल करे आप समझ लें। हाफ के जी कीमा है और ये ऐसा है। इसके अलावा इसमें एक बड़ी मुट्ठी में डालूँगी हरे धनिए की, 5 से 6 बड़ी हरी मिर्चें हैं और ये तेज़ वाली हैं, 1 अदद प्याज डालूँगी, 1 पोथी लहसुन की और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, ये इतना बड़ा, क्योंकि बीफ है तो इसमें अदरक लाजमी ज़्यादा जाएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून भर के कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, 1 टीस्पून भर के नमक, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जितना अनारदाना जिसे मैंने कूट लिया है, और 1 टीस्पून भर के ज़ीरे का। अच्छा, कुटा हुआ धनिया हम लेंगे साबुत 1 टीस्पून, क्रश किया हुआ लेंगे 1 टीस्पून, ठीक है। दिखाने की वजह से मैंने ये ट्रे में निकाला है। ये देखिए कीमा और प्याज और हरी मिर्चें, हरा धनिया, ये हो गया। अब इसमें डालेंगे भर के 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का, और बाकी ये कुटा हुआ धनिया और गरम मसाला और काली मिर्चें, कुटी मिर्चें जो मैंने आपको बताई हैं, अनारदाना वगैरह, वो सब ज़ीरा इसमें ऐड कर दिया है। इसके अलावा अब इसमें मैं डालूँगी मकई का आटा, डालते हैं वो लोग तो मैं भी डालती हूँ, लेकिन आज मैं उसका नेमुल बदल क्या निकाला है, 2 टेबलस्पून जितना कॉर्नफ्लोर, ये इसको बाइंडिंग के काम आएगा। अब इसको मिक्स करते हैं। 1 बड़ी चुटकी हल्दी की, मुझे हल्दी बहुत पसंद है, मैं क्या करूँ, मैं हल्दी डाली हूँ। आप चाहें तो स्किप कर दें, आप चाहें तो डालें, फ़ायदा ही फ़ायदा, नुकसान कोई भी नहीं है। अब ये मसाले को कीमे में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे छोटा 1 टीस्पून जितना घी या मक्खन या ऑयल कुछ भी आप लगा लें, और फिर इसका दोबारा से मसाज कर लें, और इसको 1/2 घंटा रेस्ट पे रख देंगे। हम यहाँ पे कसूरी मेथी 1 टीस्पून, इसका भी मसाज कर लेंगे। कसूरी मेथी हम बाद में इसलिए डाल रहे हैं, ये पहले भी मैं डाल सकती थी, मुझे पता है मैं डाल बनाती हूँ, लेकिन मैं इसलिए बाद में डाली है कि इससे कड़वाहट पैदा हो जाती है, इसे एंड पे ही मिक्स कीजिएगा। अब हम इसकी कबाबों के साथ जो रायता बनाएंगे, जो मार्केट से भी मिलता है, वो ये है, दही है 1 कप, 1 कप जितना दही है, थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते तोड़ लिए हैं, ये डलेंगे इसमें, छन्नी में रख के अच्छे से धो लिया, 2 जवे लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा नमक, दही का रायता हमने अच्छा सा बना लिया, थोड़ा हमने पतला बनाया है जैसे बाज़ार में होता है। अब इसकी प्याज भी काटते हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी हमने बनाया जैसे एक गोल सा बना के ना, आप चाहें तो इसको बड़ा कर ले, मैं दिखा देती हूँ आपको, हम ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे, रेसिपी शेयर करना मकसद है, बिल्कुल डिटो कॉपी तो नहीं करेंगे फिर, क्योंकि हमारे खाने वाला कोई नहीं है तो ये कबाब ज़ाया ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़े से छोटे ही बना रही हूँ। ये देखिए, हल्का सा लगाएंगे इसमें अंडे को, थोड़ा सा मिक्सचर, साथ ही टमाटर चिपकाएंगे, और फिर थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, ये ठीक है। आँच को हमने हल्का कर देना है, घी गर्म हो गया, अब हल्की आँच कर दी है, अब इसको तलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। ये इसी तरह हमने दोनों कबाब रख दिए हैं। अब जब ये नीचे से हमें इसकी लेयर्स दिखेंगी ना कि ये हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है, फिर हम इसे पलटेंगे। अब इसे हमने इस चम्मच की मदद से पलट लिया है, आँच बहुत मध्यम है क्योंकि ये कीमा कच्चा है, इसको अच्छे से अंदर से पकना चाहिए। देखिए हमारे कबाब 3 तले गए हैं, और इसी तरह मैं और तल लेती हूँ, फिर इकट्ठे ही प्रेजेंटेशन करके दिखाती हूँ।
और ये हैं हमारे पेशावरी या चपली कबाब। अगर अच्छे लगें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सलाद है इसके साथ और ये है दही का रायता। तो बस इसी के साथ हम इसको खाएंगे। अभी कुछ कबाब तले जा रहे हैं लेकिन मैंने वीडियो को एंड करना है, लाइट चली जाती है, इसलिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। दुआ में याद रखें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।